वैसे तो देश के प्रत्येक कोने में भगवान शिव का शिवलिंग है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ही खास हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली का आगमन होता है। सावन में शिव की पूजा और आराधना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो शिव भगवान की पूजा प्रत्येक सोमवार को की जाती है, लेकिन सावन महीने में शिव जी की पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। आज हम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि रावण का इस ज्योतिर्लिंग से क्या संबंध है। साथ ही शिव जी के सुरक्षा कवच पंचशूल का क्या महत्व है और जानेंगे कि भारत में 3 वैद्यनाथ मंदिर हैं, एक महाराष्ट्र में, एक हिमाचल प्रदेश में और एक झारखंड में। इसमें से इन 3 मंदिरों में से ज्योतिर्लिंग कौन सा है? मैं रितेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने ड्रीम टैलेंट के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। और आप सभी शिव भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम जो वीडियो हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं और पढ़ने वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण से है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या कर रहा था। उसने एक एक करके अपने 9 सरों को काट कर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब वह अपना 10वां सर काट कर चढ़ाने जा रहा था, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए रावण को वर मांगने के लिए कहा। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका जा चल कर रहें, इसलिए उसने वरदान में कामना लिंग को मांगा। भगवान शिव मनोकामना पूर्ण करने की बात पर मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, अगर तुम शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रख दोगे तो तुम उसे दोबारा नहीं उठा पाओगे। शिवजी की इस बात को सुनकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। सभी इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने इस समस्या का समाधान के लिए एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आचमन करने रावण के पेट में जाने के आदेश दिए। इस वजह से रावण को देवघर के पास लघु शंका लग गई। रावण को समझ नहीं आया क्या करें। तभी उसे वैजू नाम का एक ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने वैजू नाम के ग्वाले को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने चला गया। वरुण देव की वजह से रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा। वैजू रूप में भगवान विष्णु ने मौके का फायदा उठाते हुए शिवलिंग वहीं रख दिया। वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। इस वजह से आज इसे वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसे रावणेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो भारत में वैद्यनाथ के 3 मंदिर स्थित हैं, एक हिमाचल प्रदेश में, दूसरा महाराष्ट्र में और तीसरा झारखंड में।
शिव पुराण के अनुसार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना महादेव के परम भक्त महापराक्रमी राक्षस राज रावण ने की थी। राक्षस राज रावण महादेव को कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था ताकि वह अपना सारा जीवन भगवान की आराधना में बिता सके, लेकिन लघुशंका की कहानी के चलते उसे वो शिवलिंग कहीं और ही स्थापित करना पड़ा था। वो स्थान था देवगढ़ जिला, जो कि झारखंड में स्थित है। उस जगह पर ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ था, जो आज बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। देवघर का बैजनाथ धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इस 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वें स्थान पर पूजे जाने वाला ये बहुत ही खास ज्योतिर्लिंग है। इसकी खासियत ये है कि ये विश्व का इकलौता शिव मंदिर है, जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि यहां माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। दरअसल वेदों में विवरण है कि राजा दक्ष ने महायज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया था, जिससे माता सती रुष्ट हो गई थी और अग्निकुंड में खुद को समाहित कर लिया था। इसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे थे। शिव जी के इस क्रोध से प्रलय आ जाती। ऐसे में भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ शरीर के हिस्से गिरे, वे शक्तिपीठ कहलाए। देवघर बैजनाथ धाम में माता के हृदय कट के गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। बैजनाथ ज्योतिर्धाम में शिव के सुरक्षा कवच पंचशूल का महत्व बहुत अधिक है। परिसर के सभी मंदिरों, शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण मंदिर के शिखर पर त्रिशूल की जगह पंचशूल लगाए हुए हैं, जिसे एक अजय शक्ति माना जाता है, जो कि एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इस प्रकार का पंचशूल रावण ने अपनी लंका की सुरक्षा के लिए चारों ओर लगवाया था। ये विद्या रावण को राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से प्राप्त हुई थी। ये कवच इतना शक्तिशाली था कि भगवान राम भी इसे भेद नहीं पा रहे थे, तो विभीषण ने उस राज को उजागर किया था। ये पंचशूल प्रतिवर्ष शिवरात्रि के 2 दिन पहले उतारकर विशेष पूजा के लिए रखा जाता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु का तांता लगा रहता है। इसे पंचशूल के स्पर्श करने से श्रद्धालु आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूजा के उपरांत सभी शिखरों पर इन्हें पुनः लगा दिया जाता है। देवघर को देवी देवताओं का घर भी कहा जाता है। यहाँ हर साल सावन में बहुत बड़ा श्रावणी मेला लगता है और यहाँ लाखों शिव भक्त और कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 108 किलोमीटर पैदल यात्रा करके भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। वैद्यनाथ धाम की यात्रा श्रावण माह में शुरू होकर भद्र मास तक लगातार चली रहती है। बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बगल में एक विशाल तालाब है, जिसके आसपास बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और ये शिव मंदिर माता पार्वती के मंदिर से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि बैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बाद वासुकी
नाथ शिव मंदिर के दर्शन किए जाते हैं, जो कि देवघर से 42 किलोमीटर एक छोटे से गांव में स्थित है। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग हिंदुओं द्वारा अत्यधिक पूजनीय है, क्योंकि ये वह स्थान माना जाता है जहां भगवान शिव को चिकित्सकों के भगवान के रूप में पूजा जाता है और उन्हें परम उपचारक माना जाता है। भक्त अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंदिर में आते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले बाकी के ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन सी जगह से हैं, और साथ में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।